अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी, इट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जब डिफरेंट एनर्जी और शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं तो सेम शेप और सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होती है। इस प्रोसेस को, ये इस फिनोमिनन को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो पेयर्ड फॉर्म में होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे पेयर फॉर्म में, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसमें वो टेक पार्ट नहीं करेंगे। और सेकेंडली जो पॉइंट है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे, हिस्सा लेंगे, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर थ्री जो हैं या फोर हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो फोर ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर टू हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, देन टू ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। बिफोर गोइंग टू फर्दर हैव अ लुक ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसकी दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एक ग्राउंड स्टेट है और एक एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनपेयर होंगे, वो पी एक्स में और पी वाई में होंगे। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोमोशन होती है वन ऑर्बिटल इन लोअर एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट, यानी कि ये जो यहाँ पर 2s में टू इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, 2pz में चला जाएगा। अब जो है वो फोर जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और इसी वजह से जो कार्बन की है वो वैलेंसी के वो चार बॉन्ड बनाता है वो सेटिस्फाई होती है, क्योंकि पेयर तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते नहीं है, तो अनपेयर जब होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। अब ये चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं तो ये चार ही क्या कहते हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, चार सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। वेयर द एनर्जी कम्स टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट होके, यानी कि प्रोमोट होके वो 2pz में जाता है, तो ये एनर्जी रिक्वायर होती है इस प्रोमोशन के लिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? सिंपल आंसर इज बिफोर द एक्साइटेशन, यानी कि एक्साइटेशन से पहले कार्बन मेक टू कोवेलेंट बॉन्ड एंड रिलीज एडिक्वेट एनर्जी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू 2pz ऑर्बिटल। यानी कि जो पीछे हम अगर देखें तो ये जो टू इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर हैं ये क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ही ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी इस 2s में वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो लेता है और वो 2pz में चला जाता है, और फिर वो अनपेयर हो जाता है और वो भी हाइब्रिडाइजेशन करके देन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स। हाइब्रिडाइजेशन की जो आपके सेकेंड ईयर की बुक में है वो है तीन टाइप्स बेसिकली, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। आज इस लेक्चर में सिर्फ हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखें तो व्हेन 1s एंड 3p, नाम से जाहिर है, व्हेन 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी, देन इट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये पहले ही हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो थ्री फोर जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे तो फोर ही जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जैसे कि नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है। एस और पी एक्स, पी वाई और पी जी इंटरमिक्स हो रहे हैं और फोर ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। सबकी देखेंगे तो सेम जो शेप है वो क्या है, सेम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की।
अब sp3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो sp3 में जब ये फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, तो इन्होंने अपने आप को अरेंज करना है इतने डिस्टेंस पे कि ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट करें, ताकि जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। तो ये जो फोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये अपने आप को अरेंज करते हैं 109.5 डिग्री पे, कार्बन के अराउंड वो 109.5 डिग्री पे ये एटॉमिक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये वो अपने आप को अरेंज करते हैं, और इनकी जो ज्योमेट्री है वो बनती है, उसे कहते हैं हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट जो इसकी फर्दर मतलब ये जो फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने बॉन्ड बनाने हैं, बॉन्डिंग करनी है, ओवरलैपिंग करनी है किसके साथ, दूसरे एटम्स के साथ, तो वो सिंपल इनके साथ ओवरलैप करेंगे। व्हेन अ कार्बन एटम फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम, दूसरे एटम के साथ जब वो बॉन्ड बनाता है ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ओवरलैप ऑफ दीज एटम्स टू फॉर्म फोर सिग्मा बॉन्ड। तो वो जो दूसरे एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनके साथ ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और क्योंकि ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो चार ही ये सिंगल बॉन्ड बनेंगे। इसके आगे इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि ये 109.5 डिग्री पे एंगल पे अरेंज हुए हैं, तो चार, अगर मिथेन की बात करें तो मिथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसमें देखें तो ये हाइड्रोजन के जो चार एक 1s ऑर्बिटल है उनके साथ ये ओवरलैप करते हैं, चारों के चारों ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, और इस तरीके से ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है। और ये जो इस तरह के सिंगल बॉन्ड बनता है, ये हेड टू हेड ओवरलैप हुई है। तो हेड टू हेड मतलब बिल्कुल फ्रंट में आके ये ओवरलैपिंग करे एक दूसरे के, तो इन्हें कहते हैं हम हेड वेज की तरफ से, तो इन्हें कहते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इनकी ज्योमेट्री भी 109.5 डिग्री और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और 109.5 डिग्री एंगल है, सॉरी। नेक्स्ट है इथेन। इथेन में भी अगर देखें तो वही है, जस्ट ये है कि दो कार्बन होंगी तो दोनों कार्बन क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज होंगी, और अपने चारों के चारों बॉन्ड के जरिए उस तरीके से जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो अरेन्ज होंगी 109.5 डिग्री पे। तो उनमें से ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, उनमें से एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ईच केस में, मतलब एक कार्बन से भी एक और दूसरे कार्बन से भी एक, वो आपस में ओवरलैप करेंगे, कार्बन टू कार्बन ओवरलैप, जिसे कहते हैं हम sp3 ओवरलैप। और जो दूसरे होंगे वो बाकी हाइड्रोजन के जरिए होगा, इसे कहेंगे sp3s ओवरलैपिंग, क्योंकि एस ऑर्बिटल ने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की है, तो इसलिए sp3 एस ऑर्बिटल ओवरलैप। और जो के जो कार्बन कार्बन के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो क्योंकि दोनों ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो इसे कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज ओवरलैपिंग। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी इसमें कोई मसला हो तो जरूर बताएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये प्रॉब्लम जो भी होगी वो क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।